नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि शो कॉज नोटिस पर पीपी के रद्द अमल का फैसला फजल रहमान पर छोड़ते हैं। शो कॉज नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं। नून लीग की फतह दस्ता की फतह नहीं, बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। जिसकी ताकत खत्म करने का वो दावा करते थे, उसने लंदन में बैठ कर उन्हें शिकस्त दी। मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा, ना पोलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुझे लॉन्ग मार्च के दिन गिरफ्तार करना चाहती थी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है जो इमरान खान के कहने पर उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे अटैक करता है। लॉन्ग मार्च की डेट क्योंकि नज़दीक आ रही थी और उसी डेट को ये मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च से डरते थे। और दस्का की जो ये फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो सिर्फ एक दस्का की फतह नहीं है, वो बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जो है वो रियासती ताकत और मशीनरी के साथ किया है। वो नवाज शरीफ जिसकी टीवी पर तस्वीर आज भी दिखाने पर पाबंदी है, तो उसने लंदन से बैठ के आपको इबरतनाक अल्लाह के फजल करम से शिकस्त दी। पीडीएम बिल्कुल माशाल्लाह कायम है और पीडीएम के अंदर जो जमाते हैं वो बहुत कमिटेड हैं। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजल रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो पीडीएम में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे।